भाजपा के मिशन 80 को मायावती का चैलेंज। 2024 की चुनावी योग माया। बिना हतोत्साहित हुए अगली लड़ाई के लिए तैयार करो। हमें 2024 के चुनाव के लिए मजबूती के साथ लड़ना है और मजबूती के साथ खड़ा होना है। इसके लिए हमें बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करना है। मुस्लिम कार्ड नाकाम होने के बाद नई तैयारी। विरोधी दलों के वोट बैंक में होगी सेंधमारी। हम सभी लोग वर्कर हमारे जो हैं, चाहे वो बूथ के हों चाहे सेक्टर की समीक्षा कमेटी के लिए, सारे हमारे कोऑर्डिनेटर जिला सब लोग लग के समीक्षा करेंगे और बूथ सेक्टर को फिर से कमेटी बनाएगा। मायावती ने पार्टी नेताओं को दिया नया मंत्र। हमारी जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी, उन्हें रिन्यू करने के लिए हम लोगों को अगस्त तक निर्देश दिया है। अब हम लोग पूरी ताकत के साथ उन्हें रिन्यू करेंगे ताकि लोकसभा चुनाव में अच्छा रिजल्ट हम लोगों को। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा की अपील। नगर निकाय में झटका, 2024 में पार्टी लेगी बदला। आगे की रणनीति मजबूत बनाने के लिए बहन जी के दिशा निर्देश जारी हुए हैं और उन्हीं के ऊपर हमारे बसपा के कार्यकर्ता काम करेंगे और भाजपा को शिकस्त देंगे। भाजपा और सपा का सावधान अलार्म। आज वो बौखलाए हुए हैं, जनता ने उनको नकार दिया। चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हुआ है, ईमानदारी से हुआ है, कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई सरकारी मशीन का दुरुपयोग नहीं किया गया। समाजवादी पार्टी गरीब की, पिछड़ों की, दलितों की और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की राजनीति करती है और ऐसे व्यक्ति को बढ़ाने का काम हरदम आदरणीय मुलायम सिंह जी ने किया और वही काम आदरणीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कर रही है। गठबंधन का मेला हाथी चलेगा अकेला।